भगत खोजी के मौजूद नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मौजूदा साइंस ने अब इस बात की तस्दीक कर दी है कि एशिया और अमेरिका में 1970 के मुकाबले में आज तकरीबन 3 अरब परिंदे कम हैं। दुनिया में इंसानों की आबादी के अलावा हर चीज की नस्ल मुसलसल कम होती चली जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये परिंदे कहाँ गए और अगर दुनिया से सारे परिंदे खत्म हो गए तो कौन कौन सी कयामत खेज तब्दीलियाँ नुमा होगी और दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा परिंदे कैद हैं। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक शुमाली अमेरिका के 29% परिंदे कम हो चुके हैं, जबकि दूसरी तहकीक कहती है कि एशिया के मखसूस गाने वाले परिंदे बहरान से दो चार हैं। तहकीक के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि परिंदों की अक्सरियत आजाद घूमने के बजाय इंडोनेशिया के जावा जजीरे पर पिंजरों में कैद है। लेकिन सोचने की बात यह है कि फिर भी 3 अरब परिंदे गायब कैसे हो गए। शुमाली अमेरिका में होने वाली तहकीक में बताया गया है कि माहौलियाती तब्दीलियों के बायस हर तरह के परिंदे मुतासिर हो रहे हैं, ख्वाह वो सहरा में रहते हों, साहिले समंदर पर रहते हों या सरसब्ज मैदानों में। और परिंदे गायब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से उनके घर और दरख्त मुतासिर हुए। अगर आप आज अपने इर्द गिर्द के माहौल पर एक नज़र दौड़ाएं तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि परिंदों की बहुत बड़ी तादाद इंतहाई कम हो चुकी है। और ज्यादा परेशानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले आम परिंदे ही हैं जिन्हें हम रोज अपने इर्द गिर्द देखते हैं। अमेरिका और एशिया के अलावा दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी यही कुछ हो रहा है। दूसरी तहकीक में बताया गया है कि एशिया में ये इंसानों की वजह से होने वाली मादूमियत का हैरत अंगेज बहरान है। इंडोनेशिया में जावा जजीरे समेत एशिया के दीगर इलाकों में गाने वाले परिंदों की खरीदो फरोख्त का बड़ा कारोबार है और इन परिंदों को जंगलों से पकड़ कर लाया जाता है। जावा में ऐसे तकरीबन 750 लाख परिंदों को पालतू जानवर के तौर पर देखा और समझा जाता है और मुख्तलिफ तकरीबात में पिंजरों में रखे गए परिंदों के गाने की धुन, मुद्दत और आवाज की बिना पर फैसला किया जाता है कि कौन सा परिंदा ज्यादा खूबसूरत गाता है। मुकाबलों में बेहतरीन गाने वाले परिंदों को 40,000 पाउंड तक का इनाम भी दिया जाता है। मगर ऐसा करने से इंसान परिंदों को जंगलात से निकालकर सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं और इसके नतीजे में इन परिंदों की नस्लों को शदीद तरीन खतरात लाहक हैं। इंडोनेशिया की मईशत में परिंदों का कारोबार तकरीबन लाखों डॉलर्स का है। जजीरों पर सैकड़ों ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं जहां परिंदों की 200 से ज्यादा मुख्तलिफ नस्लें दस्तियाब होती हैं। जावा के घरों में तकरीबन 750 लाख से ज्यादा परिंदों को कैद में रखा गया है और जंगलात के मुकाबले इन घरों में गाने वाले परिंदों की तादाद बहुत ज्यादा है। दरअसल इंडोनेशिया के लोगों में परिंदों को कैद करने का कौमी जुनून इसलिए पैदा हुआ कि वो परिंदों, खासकर गाने वाले परिंदों को बहुत पसंद करते हैं। मगर परिंदों को कैद कर देना किसी सूरत भी काबिले कबूल बात नहीं है। अगर दुनिया के सब परिंदे कैद कर लिए जाएं या मार दिए जाएं तो यकीन जानिए कि यह दुनिया इंतहाई कम वक्त में ही मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी।